स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर पैटर्न एंड शेप्स। ओके, इसका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं नंबर्स पैटर्न। ओके, हमने पहले शेप्स वाला पैटर्न पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे नंबर्स पैटर्न। पेज नंबर 82 पे आपकी गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं हम कंप्लीट द पैटर्न नंबर पैटर्न। ओके, कंप्लीट द नंबर पैटर्न। अब हमें जो लिखा है स्टूडेंट 10, 15, 20, 25। अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, इसमें नंबर इंक्रीज हो रहे हैं ना बेटा। पहले 10 दे रखा है, 15, 20, 25, तो कितने कितने का डिफरेंस है इसमें आप देखेंगे। 10 के बाद काउंट करो, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो हमें क्या क्या मिला है यहाँ पे देखिए, 10 के बाद हम 5 काउंट करेंगे 15 आ जाएगा, 15 के बाद हम 5 काउंट करेंगे 20 आ जाएगा, 20 के बाद हम 5 काउंट करेंगे 25 आ जाएगा। तो 25 के बाद हम जो 5 काउंट करेंगे हमारे पास कितना आएगा बेटा, हमारे पास आएगा 30। 30 के बाद हम जो 5 काउंट करेंगे हमारे पास आएगा 35। Then 35 के बाद हम 5 काउंट करेंगे तो हमारे पास आएगा 40। इस तरीके से हमारा ये पैटर्न सेम कंप्लीट हुआ। यहाँ पे 5-5 का डिफरेंस था। नेक्स्ट देखिए, आप दे रखा है 70, 60, 50, 40। यहाँ पर नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज मींस कम हो रहे हैं नंबर। तो कितना नंबर कम हो रहा है, 70 के बाद जस्ट कितना नंबर कम हो रहा है, 60 कब आता है जब हम इसमें से 70 में से जब हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आएगा 60। 60 में से हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारे पास आएगा 50। 50 में से जब हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारे पास आएगा 40। तो हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 में से, सब में से कितना कम हो रहा है, 10 कम हो रहा है ना, तो इसमें से भी 10 कम करेंगे। इसमें से हम 10 करेंगे, 40 में से जब हम 10 करेंगे हमारे पास आएगा 30। 30 में से जब हम 10 कम करेंगे हमारे पास आएगा 20। 20 में से जब हम 10 करेंगे कम करेंगे तो हमारे पास आएगा 10। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमारे को दे रखा है 700, 600, 500, 400। देखिए सेम ऐसे ही यहाँ पे 10 कम हो रहा था, यहाँ पे 100 कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 400 में से जब 100 कम होगा तो यहाँ आएगा 300, 300 में से जब 100 कम होगा तो 200, 200 में से 100 कम होगा तो 100। ओके, नाउ देखिए, अब देखिए 100 यहाँ पे दे रखा है हमें 100, फिर यहाँ पे दे रखा है 105, 110, 115। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस हुआ बेटा, 5-5 यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब 5-5 इसमें ऐड हो रहे हैं। तो 115 में जब 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 120 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 125 में जब 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 130। इस तरीके से आपको नंबर्स को देखना होगा कि किस में नंबर ऐड हो रहे हैं, किस में नंबर सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस हो रहे हैं। ओके, इस तरीके से आप अपने ये नंबर्स पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें नंबर कम हो रहे हैं कि नंबर ऐड हो रहे हैं। ओके, इस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे आपका क्वेश्चन ये वाला। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।